हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा एंड उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डोट एंड की स्किन केयर रेंज। यस, रिसेंटली मैंने कुछ टाइम से अपने स्किन केयर रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करती हूँ, बट जैसा कि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि ड्यू टू हार्मोनिकल चेंजेस इन आवर बॉडी, हमें कुछ टाइम में, मीन्स 6 to 8 मंथ में आपने थोड़े थोड़े से चेंजेस अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में, हेयर केयर प्रोडक्ट में जरूर से करना चाहिए। एंड सबसे पहले बता दूं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। जितने भी डोट एंड की रेंज आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सभी प्रोडक्ट मैंने खुद ही परचेस किए हैं। दिस इज माई पर्सनल यूजेस प्रोडक्ट। जैसे जैसे मैं अपनी स्किन केयर रेंज को चेंज करती हूँ, नया कुछ स्टार्ट करती हूँ, सो आई थॉट कि मैं उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। मैं क्या फील करती हूँ अबाउट दोज प्रोडक्ट जो करेंटली मैं अपने स्किन केयर में इंक्लूड करती हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो या लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। So I have a few products Dot and Key स्किन केयर रेंज जो कि अभी थोड़े टाइम से बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूटीन में आ गया है। कुछ टाइम से इन्हें यूज़ कर रही हूँ, सो थॉट कि आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए वॉट आई फील अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। कुछ इनमें फेस वॉशेज हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं और इसके अलावा सनस्क्रीन भी है। डोट एंड की मार्केट में अभी अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। एवरी वन यूजिंग डोट एंड की प्रोडक्ट। यूट्यूब पे तो आप देखोगे जितने भी स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें आपको डोट एंड की के प्रोडक्ट ज़रूर मिलेंगे। एवरी यूट्यूबर जो कि स्किन केयर के प्रोडक्ट डालता है, हर कोई यूज कर रहा है डोट एंड की स्किन केयर रेंज को। 3 महीने से कंटिन्यूसली देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो इनके मॉइस्चराइजर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड थे, बट अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की है। जैसे कि इसके मॉइस्चराइजर्स के अलावा फेस वॉशेज हैं, फेस टोनर है, फेस सीरम है, सनस्क्रीन है, लिप टिंट है, लिप बाम है, बहुत सारी चीज़ें डोट एंड की ने अभी और भी बहुत सारी नई लॉन्च की है। सो जैसे जैसे चीज़ें हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे उसका रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रेजेंटली तो मैं इसके फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और मॉइस्चराइजर्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आया इसका मॉइस्चराइजर। इसके अलावा मैंने सनस्क्रीन भी इसकी यूज़ की है। तो चलिए बात करते हैं मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इसके फेस वॉशेस की। मैंने ये 3 रेंज फेस वॉश में इसकी मंगवाई है। आई थिंक इसके 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट आते हैं फेस वॉश में, तो मैंने ये 3 जो है अपने स्किन केयर में इंक्लूड किया है। डोट सबसे पहले आता है ये डोट एंड कीका कामिंग स्किन क्लियरिंग ब्लैमिशिंग फेस वॉश। सेकेंड आता है डोट एंड की वाटरमेलन सुपर ग्लो जेल फेस वॉश, इसके अंदर विटामिन सी एंड क्यूक्यूम्बर है। एंड थर्ड वन इज डोट एंड की बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश, प्रोबायोटिक्स एंड 5 एसेंशियल सेरामाइड्स। तो ये कुछ अलग अलग 3 वेरिएंट है। इसमें से मैं अभी प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने दोनों नए मंगवाए हैं। सबसे पहले मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पैकेजिंग की। तो काफ़ी सिंपल सी एंड नाइस पैकेजिंग में ये हमें रिसीव होते हैं। 100 ml की ये पैकिंग आपको 249 में मिल जाती है। अभी तो आई थिंक डोट एंड की रेंज पे बाय वन गेट वन ऑफर भी चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफर कंपनीज अभी निकाल रही हैं। बिकॉज डोट एंड की रेंज ना केवल डोट एंड की वेबसाइट बल्कि आपको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड फोर्स टाइप पे भी मिल जाएगा। सो मैंने इन्हें अमेजोन से परचेस किया है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो दीज आर दी फेस वॉश, प्रोबायोटिक्स एंड 5 एसेंशियल सिरामिड्स इसके अंदर, हाइलुरोनिक एंड राइस वाटर इसके अंदर। राइस वाटर आप सभी जानते हो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा सोप एंड सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव। नॉर्मल, ड्राई एंड सेंसिटिव तीनों टाइप की स्किन के लिए सुटेबल प्रोडक्ट है। इट मींस आपकी नॉर्मल स्किन है, सेंसिटिव स्किन है या फिर
ड्राई स्किन है सभी टाइप की स्किन के लिए ये फेस वॉश सुटेबल है। इसके अगर हम टेक्सचर की बात करें तो काफ़ी माइल्ड सा जेंटल सा इसका टेक्सचर है। आपने सबसे पहले अपने फेस को वेट करना है, थोड़ा सा अमाउंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपने इसको लेना है, उसके बाद अच्छे से जेंटली अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। 30 सेकेंड्स के लिए माइल्ड मसाज कीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को रिंस कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इसी के मॉइस्चराइजर्स आप लगा सकते हैं, टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप फेस सीरम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दी बेस्ट रिजल्ट। बट अभी मैं इतना स्किन केयर फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब मैं इतना लंबा चौड़ा स्किन केयर डोटेंकी का मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है। मैंने इनके फेस वॉश उसके बाद इसी का मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। मेरे पास फेस सीरम किसी और ब्रांड का है सो अभी मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज माय सिंपल स्किन केयर रूटीन। मैं टोनर वगैरह यूज नहीं करती हूँ, सिंपली फेस वॉश देन फेस मॉइस्चराइजर देन फेस सीरम। यहाँ तक मेरा 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन चलता है जो कि मैं ज़्यादातर दिन में ही फॉलो करती हूँ। बिफोर यूजिंग मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसका एक छोटा सा पेच टेस्ट ज़रूर कर लें, इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करने से पहले हैंड पे इसका एक पेच टेस्ट ज़रूर कर लें कि आपको इससे कोई एलर्जी कोई ईचीनेस तो नहीं है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मॉइस्चराइजर्स। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये काफ़ी ज़्यादा नाइस पैकेजिंग में आते हैं, काफ़ी क्यूट सी एंड अट्रैक्टिव सी इनकी पैकेजिंग है। इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में आता है। आफ्टर ओपनिंग दिस बॉक्स वो ये अंदर से कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, बॉटल पैकेजिंग में मिलेगा, तो ये कुछ इस तरह की जार पैकेजिंग में निकलता है। नाइट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी मैंने प्रेजेंटली ये ऑरेंज वाला मंगवाया है। इसके पहले मैं वाटरमेलन वाला मॉइस्चराइजर ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ। सो दिस इज माय 3rd मॉइस्चराइजर जो मैंने डोटेंकी से यूज़ किया है। डोटेंकी विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर, ये 60 ml की पैकिंग है। एंड अगेन ये वही वाला है जिसका मैंने फेस वॉश की बात की थी, डोटेंकी स्किन केयर कीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल। ये वाला नाइट में लगाने वाला है और ये वाला डे में आप यूज़ कर सकते हो। 60 ml की पैकिंग आपको 450-460 के अराउंड मिलती है, तो प्राइस वाइज मुझे जो फेस वॉश है वो तो काफ़ी अफोर्डेबल लगे, मतलब वो काफ़ी यू नो रेंज के अकॉर्डिंग थे। वो मॉइस्चराइजर्स है वो ओनली 60 ml की पैकिंग है। मुझे ऐसा लगता है ये जो इतनी नाइस ही इन्होंने पैकिंग दी है, आई थिंक इसी का ये पैसा इसमें ज़्यादा लग गया है। पता नहीं क्यों पर मुझे ये मॉइस्चराइजर्स महंगे लगे। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दीज मॉइस्चराइजर्स, मतलब मैं खुद ही सोच रही हूँ कि इसको मैं 3 बॉटल तो मैं इसकी ख़त्म कर चुकी हूँ, ये मेरा 4th मॉइस्चराइजर है, तो मैं खुद ही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये मुझे महंगा लग रहा है। रेंज के हैं, मतलब ये अलग अलग जो वेरियंट है वो अलग अलग रेंज में मिलेंगे, 450-470-498 समथिंग काइंड ऑफ इसका रेंज है, मतलब अंडर 500 आपको ये मॉइस्चराइजर मिल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। बड़ी पैकेजिंग में जब देखते हैं ना हम, तो इतनी बड़ा सा बॉक्स है, फिर उसके अंदर इतना छोटा सा, फिर इसके अंदर अगर आप इसको मैं खोल के आपको बताती हूँ तो ये कुछ इस तरह का, ये देखिए काफ़ी लाइट वेट इसका टेक्सचर है, काफ़ी नाइस इसकी स्मेल है। तो ये कुछ इस तरह की क्वांटिटी आपको इसके अंदर मिलेगी, तो ये बहुत कम इसके अंदर आपको क्वांटिटी मिलेगी, इतनी बड़ी पैकिंग फिर ये और फिर उसके अंदर आपको ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं पर्सनल अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं कुछ भी उठपटांग आपको बोल दूँ कि बहुत अच्छी लगी, कि इसमें अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस नहीं है, ज़्यादा इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है जो इरिटेट करे, स्किन को इरिटेट करे, दिन भर आपको इरिटेट करे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। आने में इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट सॉफ्ट एंड स्मूथ है, स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है ये मॉइस्चराइजर, पता भी नहीं चलता, फ्यू सेकेंड में आपकी स्किन में बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। दैट्स वाई आई लव दी रेंज ऑफ डोटेंकी, मुझे इसीलिए इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फेस वॉश का भी आपने बिल्कुल स्मॉल सा अमाउंट लेना है, स्किन में बहुत जल्दी ईजीली आपके यू नो ब्लेंड हो जाता है। लास्टली आई एम टॉकिंग अबाउट डोट एंड की सनस्क्रीन। यस,
मैंने डोटेन की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन अभी 2 महीने पहले इसको ऑर्डर किया था और तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जरा सी क्वांटिटी आपने इसकी लगानी है, इसकी भी बहुत भर भर के आपको क्वांटिटी नहीं लगानी है। ये इस तरह की बॉटल पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ, दिस इज ऑल्सो नाइस। ये भी थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। ये जो बॉटल है वो है 50 ग्राम, 50 ग्राम की ये बॉटल पे प्राइस मेंशन है 495, यानी कि ये प्रोडक्ट भी आपको अंडर 500, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आपको अंडर 500 इनके मिलेंगे, जो कि मुझे लिटिल बिट एक्सपेंसिव लगे। SPF 50, PA++, बेटर विटामिन डी एब्जॉर्वेशन, नो वाइट कास्ट। चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इसको लगाने के बाद आपको कोई वाइट कास्ट या कोई चिपचिपापन या कोई बहुत ज्यादा थिकनेस भी नहीं है। इसका काफी ज्यादा लाइट, स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर है, इसीलिए मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा पसंद आई। एक ये वाली सनस्क्रीन और एक लोटस की सनस्क्रीन मैंने बहुत टाइम से यूज की है, उसका भी टेक्सचर काफी ज्यादा स्मूथ था। स्किन में बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि एक्स्ट्रा लेयर आपने, जो सनस्क्रीन की लेयर हम लगाते हैं, कई बार ऐसा फील होता है कि एक्स्ट्रा लेयर आपने स्किन पे लगाई है। बट इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने एक्स्ट्रा कोई लेयर अपनी स्किन पे लगाई है। काफी इजीली स्मूथली स्किन पे ब्लेंड हो जाती है। दैट्स व्हाई आई लव दिस सनस्क्रीन। सो दीज ऑल आर दी प्रोडक्ट। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। होप डॉट इन की स्किन केयर रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, टेक केयर।